करेंगे मिस्टर यूसुफ खान जी, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत। सभी को नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम। मैं एक बार जानना चाहूंगा आप सभी से कैसा लगा हमारे टीम लीडर का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप सभी का। लीजिए अगली प्रस्तुति की ओर चलते हैं। ये एक भपंग राजस्थान का छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसको मेरे दादाजी और मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्रीमान जहूर खान मेवाती ने इस इंस्ट्रूमेंट को 70 देशों में अपनी प्रस्तुति दी थी। एक फिल्म आई थी सन 1962 में आंखें धर्मिंदर की, गाना था दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। महमूद साहब पर्दे पे बजाते हैं जो कि बैकग्राउंड में मेरे दादाजी ने बजाया है। उसके बाद कई फिल्में आई, गंगा जमुना नया दौर, सन ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, किशोर कुमार की। मेरे दादाजी को 93 में नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा ने रिजाइन दिया, इसी कला को अपना पेशा भी चुना। लगभग पापा भी 44 देशों में गए और कई फिल्मों में बजाने का भी मौका मिला है। मुझे गर्व होता है बताते हुए मैं इस भपंग वादन को करते हुए 20वीं जनरेशन में आता हूँ मेरी फैमिली से। और मैं भी पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। मेरे पापा को 2007 में नेशनल अवार्ड मिला। पापा ने जैसे ही पापा का इंतकाल हुआ मैंने भी जॉब को रिजाइन दिया, इसी कला को अपना पेशा चुना। लगभग 18 से 20 देशों में जाने का मुझे भी मौका मिला। और हमारे जो टीम लीडर हैं भाई बने सिंह प्रजापत, उन्हें और मुझे दोनों को साथ में ही राजस्थान सरकार द्वारा स्टेट अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। एक छोटी सी सूचना आपके बीच में, और ये पूरा ग्रुप 2010 में इंडियाज गॉट टैलेंट खोज टू में सेमीफाइनल तक भी पहुंचा है। जो अंदाज है वो शेरो शायरी का है, उम्मीद करूंगा आप सभी को बेहद पसंद आए। शुरुआत करता हूँ ऊपर वाले के नाम से, पेश आपके बीच। कि सबसे पहले क्यों ना लूं अपने उस भगवान का नाम, और दानिए में फिल्म दीगर सुनने वालों को राम राम। वाह वाह, दानिए में फिल्म दीगर सुनने वालों को राम राम। मैंने भेजी थी एक पहुंची, पहुंची मायना कंगन, कंगन का पर्यावाचक शब्द है पहुंची। मैंने भेजी थी एक पहुंची, वो पहुंची या नहीं पहुंची। दोबारा उनकी जानिब से खबर पहुंची तो यूं पहुंची, भेजी जो आपने पहुंची, और पहुंचे तलक पहुंची, नहीं तो पहुंची क्या पहुंची। नहान जब वो पहुंची उतारी हाथ से पहुंची, क्या बात है, वहां कोई कमबख्ता पहुंची उठा कर ले गई। जहां पहुंची वहां पहुंची, खुदा जाने कहां पहुंची। कहाँ पहुंची वहां पहुंची, खुदा जाने कहाँ पहुंची। हमारे एक और चाचा आपके बीच में मौजूद हैं, बैठे हैं साइड में, मैं मतलब उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा कार्यक्रम। अरे बाबा, ओवर एक्टिंग होती है ना। हमारे चाचा हैं, लगभग 72 साल उम्र हो गई है। थोड़ा सा मैंने भी मजाक कर लिया, सच में तो इनका है 45, लेकिन फिर भी चाचा ही हमारे। एक शेर याद आ जाता है हर बार, कौन कहते हैं ये बुड्ढे इश्क नहीं करते, कौन कहते हैं ये बुड्ढे इश्क नहीं करते, अरे इश्क तो बेशक करते हैं मगर लोग इन पर शक नहीं। इश्क तो वैसा करते हैं मगर लोग इन पर शक नहीं करते। भाई जी करते हैं, शक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमारे भाई साहब ने बताया, कौन कहते हैं ये बुढ़े इश्क नहीं करते। मैं इनके लिए एक दुआ भी करना चाहूंगा, या रब हुस्न की रवानी दे दे, या रब हुस्न की रवानी दे दे,
इन सूखे हुए पेड़ों जो लोग हुए वक्त से पहले बूढ़े, या मेरे भगवान उनको फिर से जवानी। क्या बात है राजेश भाई, हमारे चाचा के लिए दुआ करते हैं, या मेरे भगवान इनको फिर से जवानी दे दे। राजेश भाई जी, मैं भी आपका छोटा ही भाई हूँ, बिल्कुल थोड़ी बहुत दुआ कर लेते, मुझे ही कहना पड़ता है। गाता तो मैं भी हूँ मगर आवाज नहीं है, बजाता तो मैं भी हूँ ये फपंग कोई क्लासिकल साज नहीं है। लोग कहते हैं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, अरे बनवा तो मैं भी सकता हूँ मगर वो मुमताज नहीं है। बनवा तो मैं भी सकता हूँ मगर वो मुमताज नहीं है। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा सा आपके लिए शेरो शायरी थी। हमारे जिले की एक खास परिभाषा है, बिल्कुल जहाँ के हम लोग हैं, बिना मात्रे का जिला हमारा। हमारे जिले में कोई मात्रा नहीं है। बिना मात्रे का जिला हमारा, जिसकी शान निराली है और भाईचारा एक ताकियां फैल रही हरियाली है। अब जहां से शिक्षा शुरू होती है, जहां से शिक्षा शुरू होती है वो पहला अक्षर आता है और बाकी अक्षर तीन बचे उनसे लवर हो जाता। अब ले को हटाओ तो वर ही कहलाता है, ये वर तो सबको प्यारा है और राजस्थानी राजधानी में ये अलवर जिला हमारा है। और जब अलवर जिले की बात आती है, हमारा एक लोकगीत जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट पोस्ट में बड़ा पॉपुलर रहा, एक शब्द पर आधारित है और वो शब्द है टर। कौन सा शब्द है? देखिए पढ़े लिखे लोग टर बोलते, मैं तो गांव का आदमी हूं, टर क्या बोलते हैं? हमारे जीवन में जितनी भी जरूरत की चीजें हैं सब में ये शब्द काम आता है, इस गाने के माध्यम से। अर हो रही है टर टर, मच रही है टर टर, हो रही है टर ही टर, अरे मच रही है टर ही टर, अर हो रही है टर टर, अरे मच रही है टर टर, अरे ये दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर, ये दुनिया में देख ले रे हो रे टर ही टर। सबसे पहले हमें आने जाने के लिए व्हीकल की जरूरत पड़ी, और व्हीकल में क्या करने लगी टर, क्या करने लगी टर, एक ढोलकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर। वो मोटर में भी रह बालक को देखो कंडक्टर, और इंजन को जो तेल देवे वो फिल्टर, दुनिया में बाबा देख ले रे पूरी करी। मंगुल अगला टर है जो हमारे फैशन में आया, कोई मुझे बताना चाहेगा हमारे फैशन में टर? स्वेटर है, पर भाई जी के लिए जोरदार तालियां। आगे चलो दुकान शेट की बिक रही पॉलिस्टर, वो गज फुटों की नाप नहीं है नाप बनी मीटर, और मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, दुनिया में बाबा के। प्रशासन विभाग में टर, अब देश में जो राज करते वो है मिनिस्टर, एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, और जिले के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दुनिया में बाबा दे। सभी को मालूम है क्या था मास्टर पर खुद ही, मैं भी ताली बजा देता हूँ आप लोग। स्कूलों को जाए बच्चे पढ़ाए मास्टर, और मास्टरों को चेक करता वो है इंस्पेक्टर, एक हर कक्षा में बच्चा मिलता वो है मॉनिटर, दुनिया में पापा देख रहे हैं।
माध्यम से तीन तरफ होते हैं आपने डॉक्टर बता दिया। सिस्टर एक बार जोरदार ताली हो जाए। सिस्टर हो गया सर। क्रिस्टल। हाँ एक चीज मैं आपको सभी को बताना भी चाहूंगा, बीते हुए दिन थे, मैं चाहता हूँ कि भूल ही जाए, सब अच्छा है। हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वेंटिलेटर। लेकिन हम लोग गाने की बात करते हैं। हॉस्पिटल में जाके देखो पामे डॉक्टर, और डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। पढ़े लिखे लोग कंपाउंडर कहते होंगे। मैंने पहले ही बताया था गांव का आदमी साहब कंप्यूटर क्या। मैं हर एक सफेद सी साड़ी में डोले हुए सिस्टर, दुनिया में बाबा हम इतने घूमे मगर सिस्टर ने पीछा नहीं छोड़ा। सर मेरे घर में ही थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन यहाँ पे मेरे जितने भी मेहमान हैं सबके घर में टर है किसी न किसी रूप। सबके घरों में बिल्कुल है जी। कैसे? टमाटर। सर ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। टमाटर, आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, और सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर। भाई गरम मसालो डाल के हमें डाल दी मटर। राजस्थान में जब कोई मेहमान आता है दूध राबड़ी या छाछ राबड़ी से ब्रेकफास्ट कराया जाता है। थोड़ा सा टाइम का परिवर्तन हुआ, चाय और पानी हो गया। खासकर इन सर्दियों में किसी किसी घर में तो पूरा पैटर्न बदल जाता है। हर बाबूजी जब खावा बेटा खोल लियो क्वार्टर। हर बाबूजी जब खावा बेटा खोल लियो क्वार्टर, दुनिया में बाबा देख ले रे होने। बहुत बढ़िया। ये तार के बीच में लोक गिटार, और जो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है एक ही तार का है, मैं बजाऊंगा। मेरे साथी कलाकार मकबूल भाई मेरे साथ आपस में मुकाबला करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बेहद पसंद आएगा। जरा गौर फरमाइए जी सर। जुगलबंदी हो जाए अगर आप तैयार हैं तो। तैयार है? इधर से कम, बहुत कम आवाज आ रही है। तैयार है?